तो नगाई दास, तो मजा ही आ गया भाई। आज तो मैंने बहुत ही पेट भर की जलेबी पापड़ा खाया है, और आज मेरा देर से भी उठने का प्रोग्राम नहीं था, तो इसलिए मैं जल्दी उठा। भाई फोन किसका आ रहा है? दुकान जाने लेट हो रहा है मेरे को। एक तो भाई भीड़े भाई का फोन है। भीड़े क्या होगा भाई, मेंटेनेंस का चेक तो मैंने तुझको दे दिया था। अरे जेठा लाल, हो मेंटेनेंस की बात नहीं, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। और तुम दुकान गए हो सोसाइटी में? जेठालाल तो सोसाइटी में ही है। भीड़े अभी तक, तो मैं तो घर से निकल रहा था, तू कहाँ पर है? भाई मैं तुम्हारे घर के नीचे हूँ, जल्दी से आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी। तो चलिए गाइस, अभी देखते हैं ये भीड़े का क्या काम है हमारे पास। तो वहाँ पर जाके, और भीड़े तो नीचे ही खड़ा है भाई आज। बोलो भीड़े, क्या हो गया, क्या बात हो गई भीड़े? अरे जेठालाल, मुझको भी एक गाड़ी दिला दो यार। मतलब मुझको पुराने ज़माने की गाड़ी चाहिए, लेकिन बिजनेस करना है भाई अपन को। तो मतलब टैक्सी वगैरह अगर रहेंगे तो भाड़े पे चढ़ा देंगे, और थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा मेरे को। उनको तो मालूम है अभी मंदी कितनी बढ़ रही है मार्केट में, कुछ तो काम धंधा और करना ही चाहिए ना। बराबर है बेटे, तुम्हारी बात बराबर है। किस टाइप की गाड़ी चाहिए, मतलब क्या क्या वो बता दो तुम, वो मैं मेरे माइकल जो दोस्त है उसको बोल देता हूँ। तो ना जेठालाल, मुझको ऐसी गाड़ी चाहिए मतलब 4-5 जन आराम से बैठ जाए, और मुझे भी कहीं कभी जाना पड़ा, अगर सोनू को माधवी को घुमाने ले जाना पड़ा तो उसके लिए भी अच्छी खासी होनी चाहिए। तो टैक्सी जैसी ही देखो, लेकिन पुराने ज़माने की देखो। बोली जेठालाल, तुमको तो मालूम है मुझे पुराने ज़माने की गाड़ियाँ बहुत ही पसंद आती हैं। और तुम, क्योंकि हमारे ज़माने में जो है वो गाड़ियाँ पुराने ज़माने की बहुत ही बढ़िया मिलती थी। ये क्या आज के ज़माने की गाड़ियाँ है, मस्ते डब्बे डब्बे आ रहे। तुम पुराने ज़माने की गाड़ी देखो भाई अपने लिए। ठीक है बेड़े, मैं देखता हूँ, वो जो माइकल है उसको कॉल लगा के देखता हूँ, फिर वो क्या बोलता है तुझको बताता हूँ। तेरा बजट बोल भाई मेरे को। मेरा बजट 1.5 से 4 लाख तक का है जेठालाल। ठीक है, तो मैं माइकल को बोल देता हूँ कि 3.5 से 4 लाख तक एक अच्छी सी टूरिस्ट वाली गाड़ी देखे तेरे लिए, 4-5 सी। ओके ओके, देखो देखो अभी कॉल करके देखो। अरे भाई मुझे दुकान जाने के लिए लेट हो रहा है भाई अभी ना। देखो ना जेठालाल, देखो जल्दी देखो यार। ठीक है रुको, माइकल को कॉल लगा देता हूँ मैं अभी। हेलो माइकल। अरे भाई वो ना गाइस, अभी अभी मस्त तैयार होके नहा धो के निकल रहा हूँ मैं अभी यहाँ से। अभी नहा धो के तो हो गया, लेकिन गार्डन का जो काम था वो देखना बाकी है मेरा। तो वहाँ पर जाकर मैं देखता हूँ कि गार्डन में क्या है। लेकिन ये क्या है भाई, यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पर तो घर में तो कोई नहीं है, कहाँ गए भाई सब लोग? घर की साफ सफाई भी अच्छी खासी हो गई है। चलो तो गार्डन की देख लेते हैं अभी क्या सफाई हुई है या नहीं हुई है। तो ये मेरा फ़ोन क्यों बजने लगा भाई आज? एक तो निवान था मैं आज इतना। ओ ये जेठालाल का फोन आ गया भाई। ये जेठालाल की तस्वीर भी मैंने ऐसे लगा के रखी ना भाई, मेरे को बहुत ही हंसी आ रही। बोलो जेठा भाई क्या चाहिए? अरे वो तुमको मालूम है ना, हमारे सोसाइटी में भीड़े भाई है। वो भीड़े भाई के लिए कि ना अच्छी सी है ना, एक पुराने ज़माने की 4-5 सीट्स वाली कार चाहिए यार। उनको बिजनेस करना है टैक्सी का, तो उसके लिए गाड़ी चाहिए, वो भाड़े पे चढ़ाने वाली गाड़ी। और थोड़ा बहुत उनका जो भी है इनकम हो जाएगा यार महीने का। तुम देख लो यार, 3.5 से 4 लाख तक के लिए अच्छी सी गाड़ी देख लो एक। ठीक है जेठा भाई, अच्छी सी गाड़ी देख लेता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता 3.5 से 4 लाख तक अच्छी सी गाड़ी आ जाएंगी, वो भी पुराने ज़माने की। आपको तो मालूम है पुराने ज़माने की गाड़ी अभी ज़्यादा कोई रखता नहीं। तो देखेंगे अभी मिलती है नहीं, मैं वहाँ पर जाके आपको कॉल लगा दूंगा भाई जेठा भाई। तो चलिए अभी जेठा भाई, मैं फ़ोन रखता हूँ, और मैं जाके आपके गाड़ी के लिए देखता हूँ। थोड़ी देर में मैं गाड़ी आपको लेके आऊँ। तो ना कहते जेठा भाई के लिए हम तो आ गए अभी यहाँ पर सीमियोन के पास। मतलब जेठा भाई के लिए तो नहीं, हम भीड़े भाई के लिए आ गए सीमियोन की दुकान के पास, जो है अच्छी खासी गाड़ियों की डील करता है। उसको ही बोल देता हूँ मैं कि गाड़ी वगैरह कुछ है या नहीं। लेकिन यहाँ पर एक गाड़ी तो दिखाई दे रही है, अच्छी लग रही है, वो भी पुराने ज़माने की लग रही है ये। उस पर टैक्सी वगैरह मतलब वो बिजनेस के लिए ही बनी है। तो भाई सीमन के साथ हम बात कर लेते हैं, उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं गाड़ी का कैसी गाड़ी है, क्या गाड़ी है। सीमन तो क्या यहीं पर खड़ा रहता है, उसको कोई मतलब ऐसा नहीं है, वो खड़ा ही रहता है ऐसा। गाड़ी तो बढ़िया लग रही है भाई, डेंट वेंट भी कुछ नहीं है भाई। सीमन भाई सुनिए एक बात है, अपने जो भीड़े भाई है गोकुल धाम सोसाइटी के, उनके लिए एक अच्छी सी गाड़ी चाहिए हमको। हमको मतलब उनको ही चाहिए 3.5 से 4 लाख के लिए। मुझे ये गाड़ी पसंद आ गई है, तो बोल भाई ये गाड़ी की डील क्या करेगा। देखो माइकल भाई, ये गाड़ी मिल जाएंगी आपको 7 से 8 लाख तक। आपके लिए 7 लाख में ये गाड़ी मैं दे सकता हूँ। अरे भाई सीमन, उनका 3.5 से 4 लाख का ही बजट है, रुक मैं उनको बात कर लेता। अरे जेठा भाई, वो सीमन तो बोल रहा है 7 से 8 लाख तक आ जाएंगी यार ये पुराने ज़माने की गाड़ी। क्या करेंगे फिर? अभी मैं थोड़ा बहुत कम करवा सकता हूँ इनको,
छः तक ला सकता हूँ और कम कर सकता हूँ, लेकिन भीड़े भाई को डेढ़ बढ़ाना पड़ेगा यार। ठीक है बोल दो आप, भीड़े भाई को मैं 1.5 लाख बढ़ा के गाड़ी लेके आ रहा हूँ, लेकिन गाड़ी बहुत ही कड़क है, बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। ओके डील फाइनल कर दो फिर तो ना भाई सिमोन, ये गाड़ी की डील फाइनल, लेकिन तुझे ये गाड़ी 6 लाख में देनी पड़ेगी। ओ नहीं भाई, 6 में तो नहीं हो जाएगा, 6.5 में ले जा। नहीं नहीं भाई, 6 में गाड़ी दे दे, बहुत गाड़ियाँ ली है हमने तुझसे, ये गाड़ी मेरे को बहुत ही पसंद आ गई, और तेरे को तो मालूम है हम दूसरों के पास जाते नहीं गाड़ी लेने, तो इसलिए तेरे को ये गाड़ी देनी ही पड़ेगी। तो ठीक है माइकल, तेरे लिए मैं ये गाड़ी 6 लाख में दे सकता हूँ अभी, तो ये गाड़ी लेके जा सकता है। गाड़ी के कागज वगैरह मैं जो है भीड़े भाई को दे दूंगा। देख सकते हैं भीड़े भाई के गाड़ी का अंदर का बहुत ही बढ़िया लग रहा है, तो मतलब ना भाई मज़ा ही आ गया भाई, ये भीड़े भाई को तो बहुत मज़ा आ जाएगा, ये गाड़ी देख के बहुत खुश होने वाले भीड़े भाई। तो अभी चलते हैं यहाँ से और जाके देते भीड़े भाई को ये गाड़ी। डायरेक्टली आ गए गोकुलधाम सोसाइटी के पास, तो मतलब पास मतलब गोकुलधाम सोसाइटी के अभी हम कंपाउंड में जाने वाले, तो मतलब गोकुलधाम सोसाइटी रात में तो बहुत ही बढ़िया लग रही है भाई। भीड़े भाई को गेट खोलने के लिए बोलना पड़ेगा अभी, ये हर बार का हो गया है इनके, इनको तो मालूम रहता है मैं गाड़ी लेके आने वाला हूँ। भीड़े भाई गेट खोल दो यार, मैं आ गए हो आपके पास गाड़ी। भीड़े भाई ने गेट खुलवा दिया है, अभी हम जा रहे गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर। रात के समय में गोकुलधाम सोसाइटी एक ही नंबर लग रही है भाई, तो वहाँ पर जो है खड़े है अपने भीड़े भाई, तो जाके उनको गाड़ी दे देते हो, मेरे को लगता है गाड़ी देख के बहुत ही खुश होने वाले। ये भीड़े भाई ये देखिए आपकी गाड़ी यहाँ पर आ चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी है, ये आपके लिए लाया हूँ मैं। ओ भाई माइकल क्या गाड़ी लाई यार तूने, मतलब खतरनाक गाड़ी है ये, मेरे को बहुत ही पसंद आ गई माइकल भाई, थैंक यू, बहुत ही अच्छी गाड़ी लाई यार तुमने, तो मेरे को तो इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था गाड़ी के बारे में, लेकिन तुमने बहुत ही बढ़िया गाड़ी लाई, मेरे को बहुत ही पसंद आ गई ये गाड़ी, थैंक यू माइकल भाई, बहुत बहुत थैंक यू आपका। आपको तो मालूम है पुराने ज़माने की चीज़ें मेरे को बहुत ही पसंद आती है, लेकिन 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 ये तो बहुत ही पसंद आ गई, ये तो मेरे जिगर का टुकड़ा बन चुका है माइकल भाई। तो भीड़े भाई ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि भाई तुम तो अपने हो, इसलिए मैंने आपके लिए गाड़ी लाई है बहुत ही अच्छी, तो आप एक बार गाड़ी अच्छे से देख लीजिए, मतलब आपको कुछ ख़राबी वगैरह नहीं है। तो ये देखिए हाथी भाई की भी गाड़ी अच्छी लग रही है, सोड़ी भाई की भी अच्छी है, जेठा भाई की भी अच्छी है, वहाँ पर देख सकते हैं जेठा भाई की भी गाड़ी, अपने ये तीनों गाड़ी आपने देखी होगी, तो ये आपकी भी गाड़ी बहुत ही बढ़िया है, आप इसको भाड़े पे चढ़ाओ, अगर मेरे को भी कोई भाड़ा मिल गया तो मैं आपको भी भाड़ा दिला दूंगा इस गाड़ी के लिए। तो अभी ना हम कौन है आप भीड़े भाई, अभी ना ये अभी मैं यहाँ से चलता हूँ, ऐसा लग रहा है मेरे को यहाँ से जाना चाहिए अभी, क्योंकि मेरे को भी बहुत काम है, अभी सोना है, अभी रात भी बहुत हो चुकी है। तो आप मस्त मस्त गाड़ी की पूजा वगैरह कर लीजिए, गाड़ी अपने दरवाजे में पार्क कर लीजिए, तो चलता हूँ मैं। तो ना गाइस भीड़े भाई को अपन ने गाड़ी दे दी, डिलीवर कर दी गूगलधाम सोसाइटी में, 4 गाड़ी हमने डिलीवर कर दी। और आपको अगर अलग कोई किस्म का वीडियो चाहिए होगा गूगलधाम सोसाइटी के ऊपर, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, और अगर आपने बाकी की गाड़ी की डिलीवरी की नहीं देखी है, तो उसकी लिंक में भी आपको यहाँ पर दे दूंगा। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में।